चलो भाई, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो ब्रेक पे जाने के पहले अपन ने कैलकुलेशन किया था एक छोटा सा, करना था आप लोगों को कैलकुलेशन एक छोटा सा म्यूचुअल फंड के नैव का। सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास है, आप लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है आंसर्स। लेट मी सी तुम लोगों का आंसर्स क्या आया है। ओके एवरीबॉडी गाइस, प्लीज शेयर योर आंसर्स, हूसोएवर हैज ट्राइड। चलो अब मेरी बारी है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं सोल्यूशन के साथ। कभी भी याद रखना, वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सोल्यूशन, आपको हमेशा लिखना है पहले फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? नैव का फॉर्मूला, एंड दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस, ले लो यहां पे डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, है ना, सब आ जाएगा इसमें। कैपिटल गेन, एनी अदर इनकम लेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी एक्सपेंसेस, ये सब डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट। है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं? यस। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना कैलकुलेशन। बोलो तुम लोग का क्या आंसर आया है, प्लीज शेयर विद मी। ओके सो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आई एम गेटिंग, वेरी गुड। सब लोग का अलग अलग आंसर आ रहा है, एक का भी आंसर मैच नहीं हो रहा है। दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है, इन आईसीआई एग्जाम ऑल्सो। इसीलिए पासिंग परसेंटेज इज ओनली 10% आउट ऑफ 100। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये है ना, 4 दिसंबर का रेट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है नैव का, 15 रुपया। क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स 4 दिसंबर को है 20 लाख यूनिट्स। तो कैन आई से मुझे नैव एज ऑन 4 दिसंबर मिल जाएगा? उस पे कुछ एडिशन हुआ है, उस पे कुछ डिलीशन हुआ है, उस पे कुछ एडिशन हुआ है, वो सारा चीज इनकॉर्पोरेट करके ईयर एंड पे या 5 दिसंबर के एंड पे जो मिलेगा, दैट विल बी क्लोजिंग नैव फॉर दिसंबर। उसको मैं डिवाइड करूंगा जो भी आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स है उसके साथ, आई विल गेट द रिक्वायर्ड नैव। अभी अंडरस्टैंडिंग, सबका आंसर्स अलग अलग है, मतलब मेरे पास इतने सारे आंसर्स आते जा रहे हैं एंड सबका आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। सोचो एक सम, 4 नंबर्स बट सबका आंसर अलग अलग, बहुत ना इंसाफी है। चलो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले देखो 4 दिसंबर का मेरे पास नैव पर यूनिट ऑलरेडी अवेलेबल है इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग ऑन दैट डेट, वो भी अवेलेबल है, नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग कभी का, कभी का 4 दिसंबर का, वो भी अवेलेबल है मेरे पास। तो 15 रुपया पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, कितना नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग है? टू लाख यूनिट्स। सो कैन आई से 4 दिसंबर को मुझे मिल जाएगा रुपीज थर्टी लाख। गॉट इट गाइस? थर्टी लाख रुपीज है 4 दिसंबर को मिल जाएगा, मतलब 4 दिसंबर को मेरे इस म्यूचुअल फंड का वैल्यू है 20 लाख यूनिट्स है। ओके सॉरी, और एक जीरो बढ़ा दो भाई, 20 लाख यूनिट्स। सो 20 लाख इंटू 15, सो कैन आई से 3 करोड़ हो जाएगा, 3 एक जीरो और बढ़ गया। सो इन शॉर्ट नैव एज ऑन, भाई नैव
एज ऑन 4th डिसंबर मेरे पास है 3 करोड़। नैव एज ऑन 4th डिसंबर है मेरा 300 लैक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? बोलो बोलो, चल चल। यस सर, यस सर। चल, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ? 4th डिसंबर और 5th डिसंबर के बीच में क्या हुआ वो सब लिखना पड़ेगा, बराबर है? चलो 2 मिनट दे रहा हूं। देखो अभी ये किक स्टार्ट दिया है, अब सोचते जाओ ना क्या हो रहा है। अ क्लाइंट कम्स विद ₹12 लाख टू परचेज म्यूचुअल फंड, यू इश्यू में अप्रोप्रिएट यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। आप मुझे बताओ 5th डिसंबर को सुबह 9:30 बजे अगर वो आ रहा है तो उसको 12 लाख रुपए के सामने मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट्स दूंगा? तो कहना इससे 5th डिसंबर को 9:30 बजे तो मैं 4th डिसंबर 3:30 का ही रेट लूंगा, क्योंकि 5th डिसंबर का जो रेट है वो तो 3:30 PM को आएगा, ये तो सुबह ही आ गया है। सो आई विल गिव इन द रेट्स एज ऑफ 4th डिसंबर। वेरी गुड। एंड कैन आई से, कैन आई से इस में 30 लाख में अब मेरे पास 12 लाख रुपया और आया है, और इसी से मुझे पता चलता है और एक चीज कि नैव में कैश बैलेंस भी तो ऐड होगा। नैव में कैश बैलेंस भी तो ऐड होगा। सो अब मैं कर दूंगा यहां पे ऐड कैश रिसीव्ड 12 लाख, कैश रिसीव्ड ₹12 लाख। ए समझिगड़ू, गॉट इट गाइस? तो 12 लाख रुपए का उसको कैश मिल गया, नैव उतने से बढ़ गया, नैव उतने से बढ़ गया। बट ये 12 लाख के लिए कितना यूनिट्स इशू किया वो बताओ, ठीक है? सो उसके लिए ब्रैकेट में लिख देंगे यूनिट्स इशूड। तो 12 लाख रुपया मिला है, 15 रुपया पर यूनिट है एज ऑफ क्लोजिंग। तो 12 लाख डिवाइड बाय 15, 80,000 यूनिट। ₹80,000, समझ में आई बात? चलो उसके बाद 5th डिसंबर को क्या हुआ? एक क्लाइंट आया टू सेल 20,000 यूनिट्स ऑफ हिज म्यूचुअल फंड, पर कितने में बेचने वाला है वो तो लिखा ही नहीं है। तुम लोग को पता है क्या कितने में बेचने वाला है वो? करेक्ट, द आंसर इज 15। भाई ओपन एंडेड फंड है, ओपन एंडेड में तो बाइंग और सेलिंग नैव पे होता है, और 5th डिसंबर को वो बेचने को आया है, पर 5th डिसंबर को 11:30 बजे आया है। तो 11:30 बजे तो मेरे को पता ही नहीं है कि मेरा 5th डिसंबर का नैव क्या है, वो तो 3:30 बजे पता चलेगा। तो एटलीस्ट मैं 4th डिसंबर का जो नैव है उसके हिसाब से 15 रुपया मेरे इसमें से माइनस कर दूंगा। सो इधर अपन लोग कर देंगे माइनस कैश, एड कैश रिसीव किया था ना, तो लेस, नया नया चीज सीख रहे हैं, कैश पे, समझे क्या? चलो सो इधर ही इधर लेस कर दूं या कैश पेड लास्ट में लेस कर दूंगा मैं, आउटस्टैंडिंग वाले में याद दिला देना बस, ठीक है? चलो अब और क्या आएगा? डिविडेंड मिला है कितना? 1,50,000 का। सो वो तो सीधा बैठा बैठा ऐड हो जाएगा। सो ऐड डिविडेंड रिसीव्ड कितना? ₹1,50,000 बैठा बैठा ऐड हो जाएगा। चलो फिर पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन 5 लाख एड पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन ₹5 लाख। डन, बोलो बोलो डन। चलो सो ये हो गया मेरा पूरा काम। अब लेस लेस करना है मेरे को, लेस करना है। चलो मैं लेस क्या करूंगा? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, ऐसा तो कुछ है नहीं, बट कैन आई से कैश पेड माइनस हो जाएगा। अच्छा कितने यूनिट्स रिडीम किए हैं मैंने, कितने यूनिट्स क्लाइंट को बेच,
क्लाइंट कम्स टू सेल, तो बेसिकली पैसा दिया है उसको, तो कितने 20,000 यूनिट्स वो देने को आया, इनटू एक यूनिट का 15 पर यूनिट है, तो 20,000 × 15 एंड दैट इज ₹3 लाख, दैट इज ₹3 लाख, गॉट इट गाइस। ये सब मिला के हो रहा है मेरा टोटल नेट एसेट्स, कितना हो रहा है टोटल नेट एसेट्स, ये माइनस करने के बाद टोटल नेट एसेट्स कितना हो रहा है, बोलो बोलो, टेल टेल। सो इट विल बी 3 करोड़ प्लस 12 लैक्स प्लस 1,50,000 प्लस 5 लैक लेस 3 लैक 31,55,000, 3 करोड़ 15,55,000, सॉरी 3 करोड़ 15,50,000 डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। अपन यहां पे अगले पेज पे लिखेंगे नेट एसेट्स 3 करोड़ 15,50,000 डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, बोलो वो कितना है। सो 20 लाख यूनिट्स था 4 अगस्त को, 4 दिसंबर को, 5 दिसंबर को और यूनिट्स ऐड हुआ, कितना यूनिट्स ऐड हुआ, 80,000। सो 80,000 यूनिट्स ऐड हुआ, कितना यूनिट्स लेस हुआ, कितना यूनिट्स लेस हुआ, 20,000 यूनिट्स लेस हुआ। चल टोटल कितना आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स आता है, ट्वेंटी लैख 60,000, करेक्ट। एंड ये मुझे दे देगा मेरा नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट 3 करोड़ 55 डिवाइड बाय 20,60 एंड दिस इज ₹15.4 3,155 पर यूनिट। गाइस आर वी क्लियर, मानसी जैन क्यों रे तेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है इतना। चलो गाइस गिविंग यू ऑल 2 मिनट्स, प्लीज राइट इट डाउन, आप लोग ने अभी तक रफ में लिखा होगा, अब इसको सिस्टमैटिकली लिख लो। एंड यहां से मैं एक और फॉर्मूला डिराइव करूंगा दैट अगर यस्टरडेज नैव इज गिवन या कैश रिसीव और कैश पेड हो रहा है तो मेरे को नैव कैसे कैलकुलेट करना होगा। चलो लेट्स लेट्स स्टार्ट, प्लीज कॉपी दिस।
चलो डन हो गया सबका लिख के। हाँ चलो तो इस एग्जाम्पल से अपने को और एक चीज पता चली है, क्या? नैव कैलकुलेट करने का एक नया तरीका। चलो लिखते हैं उस तरीके को। सो कैलकुलेशन ऑफ नैव व्हेन डेली इन्फो इज गिवन और कैश रिसीव कैश पे। चल अब लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो क्या आएगा यहां पे नैव कैलकुलेशन में? चलो सो इट इज येस्टरडेज नैव। येस्टरडेज नैव पर यूनिट था अपना 4 दिसंबर का, मल्टीप्लाई बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस प्लस। तो ये तो फिक्स है ही, इसके अलावा जो भी अपने को रिसीप्ट हो रहा है और एक्सपेंसेस हो रहा है वो सब अपन लोग एडलेस कर देंगे। सो एड डिविडेंड रिसीव्ड, एड इंटरेस्ट रिसीव्ड, एड क्या पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन, एड पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन, फिर कोई भी आपको नया कैश आया है तो मनी रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ न्यू यूनिट्स, मनी कैश रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ न्यू यूनिट्स। ठीक है, लेस में वही एक्सपेंसेस इंकर्ड, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, और एक लेस में मनी पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ यूनिट। मनी पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स, इससे आपको मिल जाएगा टुडेज नैव जो अपने को 5 दिसंबर पे मिला, डिवाइड बाय करेक्ट आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा, ये आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करोगे आप? करेक्ट, इट इज येस्टरडेज ये नंबर ऑफ यूनिट्स, येस्टरडेज नंबर ऑफ यूनिट्स, इसमें जो भी नए यूनिट्स इशू किए हैं, सो एड लेस एड यूनिट्स इशूड लेस यूनिट्स रिडीम, लेस यूनिट्स रिडीम्ड। आर वी क्लियर गाइस? आर वी क्लियर? सब लोगों को समझ में आ गया इतना? एनी डाउट्स एनीबॉडी? चल इतना लिख के हो गया, लिख लो सब लोग एक बार, 2 मिनट लेके फटाफट लिख लो। अच्छा अब मैं आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो आपको हर एक चैप्टर में
खुद से करना है विदाउट फेल, एंड वो करके मेरे को भेजना है। व्हाट्सएप करो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इफ यू आर अ गूगल ड्राइव लाइव स्टूडेंट, व्हाट एवर यू आर, सुनो ध्यान से, ओए सुन मेरी बात। आपको बनाने हैं समथिंग कॉल्ड ए स्टूडेंट नोट्स। व्हाट इज स्टूडेंट नोट्स? स्टूडेंट नोट्स का मतलब होता है जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं लिखवा रहा हूं वो सारे एक बुक में एक जगह पे आपके पास होने चाहिए। इट कुड बी अ फॉर्मूला लाइक दिस, इट कुड बी अ स्मॉल नोट लाइक नैव में कितने डेसिमल है, यूनिट्स में कितने डेसिमल। इट कुड बी अ स्टार्टिंग फॉर्मूला फॉर नैव। इट कुड बी अ डिफरेंशिएटर बिटवीन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड। वो सारी की सारी चीजें आपको लिखनी है कहां पे? स्टूडेंट नोट्स में। तो आज से आपका स्टूडेंट नोट्स बनना चालू हो जाना चाहिए। जी हाँ, कोई शक? बेशक होना भी नहीं चाहिए। डन, ठीक है एवरीबॉडी? ठीक है एवरीबॉडी? यस, प्लीज कॉपी दिस एंड देन वील मूव ऑन। एंड ऑन दैट नोट यू हैव टू ट्राई। आई एम गिविंग यू ऑल 5 मिनट्स। गूगल ड्राइव वालों, आप लोग भी पॉज करके पहले ट्राई करना। आप लोग को ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 2। ट्राई करो एवरीबॉडी, प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 2। एवरीबॉडी ट्राई क्वेश्चन नंबर 2। चलो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि आप लोग इसको सॉल्व कर पाए हैं। आइए चलो क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द टुडेज नैव। याद रखना स्टूडेंट नोट्स आप लोग को लिखना है। मैं इधर लिख देता हूं स्टूडेंट नोट्स। ये अपना स्टूडेंट नोट्स क्या होगा? कंपाइलेशन ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स नोट्स एंड फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको खुद से बनाना है। जैसे जैसे मैं ये करवाते जाऊंगा हर चैप्टर में खुद से आपको दिमाग लगा के ऐड करते जाना है, और एंड में आपका एक मस्त बुक बन जाएगा। एग्जाम टाइम पे खाली उतना रिवाइज करेंगे, वो कर डाला तो लाइफ झींगा ला डाला। राइट, चलो आ जाओ लेट्स स्टार्ट। सेकेंड, कैलकुलेट टुडेज नैव ऑफ फ्लेक्सी फंड इफ द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन। इफ द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन, यस्टरडेज नैव
Yesterday's NAV 12.87. Total number of outstanding units 1.25 crores. Face value दिया हुआ है. Expenses दिया हुआ है. Assume sales and repurchase NAV to be at 12.87. Appreciation, unit freight, subscription units, redemption, dividend received. Can I say last sum जो अपन लोगों ने solve किया था उसी का भाई है ये. क्या ये खुद से अपन लोग कर पाएंगे? तुम लोग को टाइम दिया भी है, तुम लोग ने आई हूं श्योर किया भी होगा. चलो आओ देखते हैं कितना क्या हुआ है. चलो आओ देखते हैं कितना क्या हुआ है. सो कैलकुलेशन ऑफ नैव पर यूनिट, कैलकुलेशन ऑफ नैव पर यूनिट. सो So, अभी जो अपन लोग ने फॉर्मूला लिखा था वही फॉर्मूला एज इट इज अपने को लिख लेना है. ठीक है क्या? टुडेज नैव इज इक्वल टू यस्टरडेज नैव इनटू यस्टरडेज outstanding number of units dividend received portfolio appreciation less expenses डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू टूडेज नैव. चलो आओ स्टार्ट करें. चलो यस्टरडेज नैव तो कुछ 1 crore 25 lakh outstanding into 12.87. crore 25 lakh into 12.87. 1 crore 60 lakh 87 thousand. Sorry, 16 crore 8 lakh 75 thousand. डन. ठीक है इसके बाद क्या क्या ऐड हुआ है? अप्रिसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो टुडे फाइव लाख. फिर यूनिट सब्सक्रिप्शन पैसा आया. मनी रिसीव्ड ऑन न्यू यूनिट्स कितना? 2 lakh यूनिट एट द रेट 12.87 पर यूनिट. ₹25,74,000. Then dividend received 1 lakh. Units redeemed 0.75 lakhs. और कोई खर्चा? एक्सपेंसेस 1 lakh. ओके
लेस नैव, रीपर्चेज नैव, सो यूनिट्स रिडीम, सो मनी पेड ऑन न्यू यूनिट्स ऑन रिडेम्पशन. कितना? 12.87 इंटू 75,000. राइट, नाइन सिक्सटी फाइव टू फिफ्टी. एंड इसी के साथ मुझे मिल जाता है टोटल नेट एसेट्स. कितना आता है देखो, 1,00,000. कितना आ रहा है एक बार बोलो. ये पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन 12,00,000 है, अपन ने 5,00,000 लिया है. शायद मैंने गलती से ध्यान पुराना वाले का ही ध्यान रह गया. रिंकी जी, चेंज हो जाएगा आंसर. टोटल नेट एसेट हो जाएगा 1,636,83,750. ठीक है, डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स एंड दैट इज हाउ मच. देखो, 1,25,00,000 है ऑलरेडी. फिर इसमें और 2,00,000 ऐड हुआ, 75,000 लेस हुआ. 2,00,000 यूनिट्स ऐड हुआ, 75,000 यूनिट्स लेस हुआ. दिस इज 1,26,25,000. फाइनली अपने को मिल जाएगा नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट. ट्वेल्व पॉइंट 9,638. कितना आ रहा है? या इट इज 12,9650. ओके, गॉट इट गाइस. चलो, इधर तक सब लोग क्लियर है गाइस? एनी डाउट्स?
चल डन। ओके इसी के साथ आज का आपका ये सेशन होता है कंप्लीट। एज आई टोल्ड यू स्लोली एंड स्टेडीली वी विल कीप ऑन बिल्डिंग अप बिल्डिंग अप। ओके इसी के लिए क्वेश्चन नंबर 3 विल बी योर होमवर्क, ठीक है। प्लस आपको स्टूडेंट नोट्स लिखना है, वो अलग, वो तो है ही। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट यू हैव टू ट्राई। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क एंड आज का जो स्टूडेंट नोट्स है वो है आपका होमवर्क, ठीक है। चलो टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता। ये नोट्स अभी का अभी अपलोड हो जाएगा एंड मिलते हैं अगले सेशन में टुमारो विद मोर कॉन्सेप्ट्स मोर सम्स एंड मोर फॉर्मूलास। बाय। और बाकी तुम लोग अभी ये वाला जो क्वेश्चन अभी मैंने करवाया वो कॉपी कर लेना नोट से जो अभी अपलोड हो रहा है एंड डन। इधर तक सब लोग एकदम सॉर्टेड हो, राइट। चलो कल वापस से रिवाइज करके कुछ नया स्टार्ट करेंगे। या